in the previous video we have discussed about common base configuration so today we are going to discuss about common emitter configuration of bjt let's begin with common emitter configuration the input is applied between base and emitter and output is collected between emitter and collector emitter and emitter terminal is common so input अप्लाई करते हैं हम बेस और एमिटर पे और आउटपुट कलेक्ट करते हैं बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर पे एंड एमिटर टर्मिनल कॉमन रहता है एज द कॉन्फिग्रेशन इज कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन सो सप्लाई वोल्टेज इज बिटवीन बेस एंड एमिटर इज डिनोटेड बाय वी बी ई एंड सप्लाई वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर इज डिनोटेड बाई वी सी ई इनपुट और बेस करेंट इज डिनोटेड बाई आई आउटपुट और कलेक्टर करेंट इज़ डिनोटेड बाई आई सी Common emitter amplifier has medium input and output impedance level, and the current and voltage gain is medium and it has high power gain. Now, coming to the input characteristics, it describes the relationship between input current or base current and input voltage or base emitter voltage VBE. So, a curve is drawn between input current IB and input voltage VBE at constant output voltage VCE. फर्स्ट द आउटपुट वोल्टेज इज़ इंक्रीज होता है फ्रॉम जीरो टू सर्टेन वोल्टेज लेवल इट इज़ टेन वोल्ट एंड इट इज़ केप्टेंट नेक्स्ट इनपुट वोल्टेज वी बी वी बी इंक्रीज होता है फ्रॉम जीरो टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल एंड इनपुट करेंट आई बी इज़ रिकॉर्डेड एक कर्व ड्रॉन होता है बिटवीन इनपुट करेंट आई बी एंड इनपुट वोल्टेज वी बी और आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहता है एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड जब आउटपुट वोल्टेज वी सी ई ज़ीरो होता है रहता है तो एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है बाय द इनपुट वोल्टेज वी बी ई और नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड की तरह एक्ट करता है सो द इनपुट कैरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेम एज द नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड

कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस की तरह एक्ट करता है सो बेस रीजन इज लाइटली डोप एज कंपेयर टू कलेक्टर रीजन सो डिप्लेशन रीजन पेनिटेट मोर इन टू बेस रीजन एंड लेस टू कलेक्टर रीजन एज अ रिजल्ट विथ ऑफ ऑफ बेस रीजन डिक्रीज एंड एंड विच रिड्यूस इनपुट करंट प्रोड्यूज इन द बेस रीजन so for higher values curve is shifted towards the right side as you can see in the graph now coming to the output characteristics of ce so it describes the relationship between output current ic and output voltage vce to determine output characteristics input current is kept constant at 0 microampere and output voltage vce is increased from 0 to different voltage level अ कर विच ड्रॉन बिटवीन आउटपुट करंट आई सी एंड आउटपुट वोल्टेज वी सी ई एट कॉन्स्टेंट इनपुट करंट आई बी सो द कट ऑफ रीजन कट ऑफ रीजन वैन द बेस वैन द बेस करेंट आई बी इज इक्वल्स टू जीरो माइक्रो एम्पियर दिस रीजन बोध द जंक्शन आर रिवर्स बायर्स इन दिस रीजन दोनों जंक्शन रिवर्स बायर्स होते हैं and input current ib increases from 0 microampere to 20 by adjusting input voltage vbe and input current is kept constant after output voltage vc is increased from 0 to different voltage level for each voltage level output current is recorded so a curve a curve is drawn between output current ic and output voltage vce at constant input current ib so it is the active region of transistor now coming to the saturation region in the saturation region emitter base junction is forward biased when both junction are forward biased transistor operates in saturation region स्मॉल इंक्रीज इन आउटपुट वोल्टेज कज रैपिडली इंक्रीज इन आउटपुट करेंट आई सी नाउ कमिंग टू द ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स हेयर इज डायनमिक इनपुट रेजिस्टेंस विच इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज वी बी ई टू द कॉरस्पोंडिंग चेंज इन इनपुट करेंट आई बी विद आउटपुट बाई कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कॉन्सटेंट आउटपुट वोल्टेज को हम कॉन्सटेंट रखते हैं ये रेशो रहता है इनपुट वोल्टेज वी बी ई एंड इनपुट करेंट आई बी का बाई कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट सो आर आई इज इक्वल्स टू डेल डेल वी बी सी डिवाइडेड बाई डेल आई बी बाई कीपिंग आउटपुट वोल्टेज वी सी कॉन्स्टेंट इन सी कॉन्फिग्रेशन इनपुट रजिस्टेंस इज वेरी लो कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन में इनपुट रजिस्टेंस बहुत कम रहता है नाउ द डायनमिक इनपुट रजिस्टेंस डाय डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस, विच इज डिनोटेड बाय आर इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज वी टू द चेंज इन आउटपुट करंट आई बाय कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट। एक रेशो रहता है आउटपुट वोल्टेज वी टू द आउटपुट करंट आई का बाय कीपिंग इनपुट करेंट आई बी कॉन्सटेंट इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आई सी कीपिंग इनपुट करंट आई बी so the output resistance of common emitter configuration is high the, now here is current gain which is denoted by alpha it is the ratio of output current ic to the input current ib alpha is equals to ic divided by ib the current gain of transistor in c configuration is high therefore the transistor in C configuration is used for amplifying the current. Current gain इसका बहुत ज़्यादा high हाँ होता है इसीलिए ये transistor amplify करने के लिए use होता है current को amplify करने के लिए use होता है I hope you guys understand.